एस सी वर्मा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 40। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन फिगर फॉर विच द करंट इन इट इज जीरो। तो एक सर्किट दी हुई है, सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट उसमें जो करंट फ्लो होगा वो जीरो आना चाहिए। तो हमें ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रिंसिपल पता है, तो बैलेंस्ड कंडीशन पता है, तो इसे देखने के बाद ही हमें देखते ही पता चलेगा कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू जिस तरह से है वो अगर बैलेंस्ड कंडीशन फॉलो कर रही है तो हमें पता चलता है कि इसमें से करंट कितना फ्लो होगा। लेकिन वो कंडीशन फॉलो अगर नहीं होती है तो हमें, हमारे पास दो मेथड रहेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। एक तो किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हमें लूप पहले फिक्स करने पड़ेंगे, करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी, और फिर एक इसे ट्रेस किस तरह से करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। फिर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे, उसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम करंट की वैल्यू थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ या आर्म फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा एक मेथड वो किरचॉफ्स लॉ होगा, सिर्फ लिखना अलग तरीके से है, वो भी किरचॉफ्स लॉ रहेगा। तो यहाँ पे ये जो करंट है, यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा आई वन, और यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा, यहाँ पे ये जो करंट आ रहा है यहाँ पे फिर स्प्लिट होगा, यहाँ से लेट से आई टू करंट और यहाँ पे फिर आई थ्री करंट फ्लो होगा, तो एक जंक्शन होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे करंट आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से आएगा, दोनों मिलकर यहाँ पे फ्लो होंगे, तो ये जो है वो जंक्शन पॉइंट्स होंगे। और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में बताता है कि एट एनी जंक्शन द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और हम बोल सकते हैं कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ इलेक्ट्रिक अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो, मतलब सभी करंट की एडिशन जीरो रहेगी। मतलब करंट लॉ क्या बोलता है हमें, करंट लॉ कि सभी करंट की एडिशन एट दिस जंक्शन इज जीरो, मतलब ये करंट यहाँ पे आ रहा है आई वन प्लस ए आई टू प्लस आई थ्री, ये तीनों की एडिशन जीरो रहेगी। अब करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर, तो मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसे नाम देते ए बी ए सी और ए डी, तो ये वी ए, ये दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहेगा वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय ए रेजिस्टर, ये रहेगा आई वन की वैल्यू। तो आई वन क्या रहेगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, आर की वैल्यू 10, प्लस आई टू क्या रहेगा, तो ये दो बीच पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय ए रेजिस्टर, मतलब ये वी बी माइनस वी सी अपॉन 5 प्लस आई थ्री, आई थ्री क्या है, वी बी माइनस वी डी, वी बी माइनस वी डी अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1। इसी तरह से हम लिख सकते यहाँ का करंट, लेट से आई वन डैश, यहाँ पे आई वन डैश आएगा, यहां से ये आई थ्री आ रहा है, और यहाँ पे फिर कुछ आई टू डैश, आई टू डैश मतलब ये करंट और ये करंट ऐड होके ये करंट मिलेगा, मतलब फिर से यहाँ पे टोटल कर अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज जीरो। मतलब फिर से इस पॉइंट के लिए लिखेंगे तो ये आएगा आई वन प्लस ये आई थ्री प्लस ये आई टू डैश, इसे आई टू डैश लिखते हैं, आई टू डैश इज इक्वल टू जीरो, आई वन डैश ये क्या रहेगा करंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय एक रेजिस्टर रेजिस्टेंस, मतलब ये भी आएगा वी ए माइनस वी डी, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी डी अपॉन 10 प्लस आई थ्री, मतलब ये करंट यहां से यहां पे आ रहा है, तो ये आएगा वी बी माइनस वी डी, वी बी माइनस वी डी अपॉन आर प्लस ये करंट यहां से यहां पे हाई पोटेंशियल टू लो, मतलब वी डी माइनस वी सी, तो ये वी डी माइनस वी सी अपॉन 5 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 2। अब इसके राइट साइड इक्वल तो इसकी लेफ्ट साइड भी इक्वल रहनी चाहिए, तो इसे इक्वेशन को लिखते हम, तो ए इक्वेशन वी ए माइनस वी बी अपॉन 10 प्लस वी बी माइनस वी सी अपॉन 5 प्लस
वी बी माइनस वी डी अपॉन आर, इसे लिखा इज इक्वल टू ये सब आएगा, मतलब ये वी ए माइनस वी डी अपॉन टेन प्लस वी बी माइनस वी डी अपॉन आर प्लस वी डी माइनस वी सी अपॉन फाइव, इसे लिखा क्योंकि राइट साइड इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल टू जीरो रहेगी। ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एक दूसरे को कैंसिल होगी। अब इसका एलसीएम लेते हैं टेन, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टेन ये टेन ये टेन और ये टेन चला जाएगा। तो इक्वेशन रहेगा ए वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे प्लस टू वी बी माइनस टू वी सी, ये चला गया इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी और यहाँ पे प्लस टू वी डी माइनस टू वी सी, और यहाँ पे वी ए लाया तो ये वी ए माइनस कैंसिल होगा, ये टू वी सी यहाँ पे आएगा तो प्लस हो गया और इसके साथ कैंसिल होंगे। अब फिर ये टू वी बी माइनस वी बी, मतलब ये रहेगा वी बी इज इक्वल टू टू वी डी माइनस वी डी, ये रहेगा वी डी। तो लास्ट में ये इक्वेशन क्या बताता है हमें कि बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब ये बी पॉइंट और यहाँ पे डी पॉइंट लिया था हमने, ये दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ये दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में यही है कि इसमें से करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा इसलिए नहीं कि आर की वैल्यू हमने एडजस्ट की, इसलिए कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम आया है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये आर होगा या कितना कितनी भी वैल्यू होगी उनकी, आर की वैल्यू पर कोई डिपेंड नहीं है, आर की वैल्यू कितनी भी होगी जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब फाइंड आर जो होगा वो एनी वैल्यू रहेगी कि एनी कोई भी वैल्यू हो फिर भी यहां से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है।